नोरा फतेही को गलत तरीके से छुआ डेरिस ने, जिसके बाद मच गया बवाल। KGF चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में KGF 3 का ऐलान हो चुका है, लेकिन क्या सच में KGF 3 में प्रभास मेन विलन होने वाले हैं? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उससे भी ज्यादा सस्पेंस तो KGF 3 के लिए बन गया। जब एक बार बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस नोरा फतेही एक शो को होस्ट कर रही थी, तभी टेरेस नोरा के बैक पोर्शन को गलत तरीके से छूते हैं। उस दौरान नोरा बहुत ही नॉर्मल दिखाई दी और उन्होंने टेरेस की इस हरकत का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया और तभी लोग टेरेस को लताड़ने लगे, जिसके बाद नोरा ने भी बहुत करारा जवाब दिया। वीडियो में टेरेस साफ साफ नोरा के बैक साइड को टच करते दिखाई देते हैं, लेकिन नोरा ने टेरेस का साथ देते हुए कहा कि वो एक फोटोशॉप वीडियो है और वो टेरेस का बहुत आदर करती है। नोरा ने लिखा कि शुक्रिया टेरेस, आज के दौर में भी जब सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो वायरल हो गई है, फोटोशॉप से इफेक्ट डालकर मीम बनाए जा रहे हैं, मुझे खुशी है कि आपने खुद को परेशान नहीं होने दिया। नोरा के ऐसा करने के बाद कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सब TRP के लिए किया गया था। KGF 2 के लास्ट सीन ने सबको हैरान करके रख दिया। इस सीन में रवीना टेंडन एक फाइल खोलती नजर आ रही है। जैसे ही इस फाइल को हटाया जाता है, उसके नीचे एक और फाइल होती है जिस पर KGF चैप्टर 3 लिखा होता है, जिससे साफ पता चलता है कि मेकर्स अब KGF 3 के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि KGF 3 और प्रभास के आने वाले मूवी सलार आपस में कनेक्टेड है, लेकिन आखिर कैसे? दरअसल KGF 2 में एक सीन होता है जिसमें एक लड़का रॉकी भाई का बहुत बड़ा फैन होता है, जिसे अधीरा मारता है, लेकिन उसे कोई भी मरता नहीं देखता। असलियत में वो लड़का मरा ही नहीं है। KGF के डायरेक्टर आपके साथ खेल खेल रहे हैं। हैरानी की बात ये है कि सलार के डायरेक्टर वही है जो KGF चैप्टर 2 के है। इतना ही नहीं, जिसने KGF में रॉकी की माँ का किरदार निभाया है, वही सलार में प्रभास की माँ के किरदार में है। इसीलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो लड़का ही है जिसके रोल में प्रभास फिल्म में दिखेंगे, जिसका मतलब KGF 3 में यश और प्रभास दोनों देख सकते हैं। KGF 2 की कहानी से KGF 3 की कहानी ज्यादा धुआंधार होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? आप अपनी अपनी राय कमेंट पे व्यक्त करें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।